सो गाइज आज हम लोग बहुत जल्दी उठ गए और सुबह सुबह निकल रही है मेरी सिस्टर, वो भी मेरे घर आई हुई है क्योंकि वो भी मेरे साथ जा रही है पिकनिक। तो यहाँ पे हम लोग की जो गाड़ी है वो आ गई है अभी, तो सब लोग टीचर्स एक एक जगह से उठेंगे, हम लोग सारे स्कूल के टीचर्स जा रहे हैं। हाय गाइस, तो आज हमने घर से वीडियो स्टार्ट नहीं की है क्योंकि लेट हो रहा था, हम जा रहे हैं पिकनिक। तो इस वीडियो में आपको आगे देखने को मिलेगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, सारे टीचर्स जा रहे हैं। तो गाइस वीडियो के अंत तक बने रहिए और चैनल पे न्यू हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गाइस यहाँ हम लोग का खाना जो है वो अभी उठेगा गाड़ी में, क्योंकि हम लोग खाना बना के लेके जा रहे हैं क्योंकि वहाँ हम लोग घूमने जा रहे हैं। तो ये देखिए हम लोग का खाना वगैरह सामान जो भी है वो हम लोग अभी लोड कर रहे हैं गाड़ी में, फिर उसके बाद सारे टीचर्स एक एक जगह से उठेंगे एंड फिर हमारी गाड़ी होने वाली है फुल। तो ये हाईवे हम लोग पहुँच गए हैं, फिर यहाँ से भी कुछ टीचर्स उठने वाले हैं गाड़ी में। तो चलिए सब उठ गए हैं गाइस, देखते हो गाड़ी अभी पूरी फुल हो गई, तो अभी आएगा ना मज़ा। तो चले हम लोग चलते हैं। सो गाइस हम लोग जा रहे हैं अरुणाचल प्रदेश पासीघाट। तो यहाँ आप देख सकते हो साइन बोर्ड लगी हुई है अरुणाचल प्रदेश की, तो हम लोग अरुणाचल प्रदेश में एंटर कर गए हैं और यहाँ अभी एक जगह गाड़ी रुकेगी और यहाँ इस ऑफिस में हम लोग को बनाना है पास, क्योंकि अगर हम लोग अरुणाचल एंटर करते हैं तो फिर वहाँ पे हम लोग को पास बनाना पड़ता है। सो पास बनाने के बाद हम लोग आ गए ऑरेंज खरीदने के लिए, क्योंकि हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ ऑरेंज भी लेके जाएंगे। यहाँ अरुणाचल का ऑरेंज जो होता है बहुत ही टेस्टी होता है खाने में, फिर ले लिया है ऑरेंज। और अभी गए चलिए चलते हैं, अभी आपको यहाँ पे पहाड़ का इलाका शुरू हो गया है, अभी यहाँ से आपको बहुत ही सुंदर 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 नज़ारे देखने को मिलेंगे। तो गए इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अभी दबा के लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। बाकी भी टाइम नहीं, पर इसके तो भी मान होम डिलीवरी। सो गाइस हम लोग अभी पहुंच गए हैं, तो यहाँ से हम लोग का सफ़र शुरू होने वाला है जंगलों वाला, क्योंकि हम लोग आए हैं सिरकी वाटरफॉल और यहाँ पे वाटरफॉल देखने के लिए हम लोग को वो जो पहाड़ी आप लोग को ऊपर दिख रही है ना गाइस, वो पहाड़ी के ऊपर जाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे भी टिकट काटना पड़ेगा। सो उससे पहले सब लोगों को भूख लगी है, सुबह हम लोग सब लोग जल्दी निकले हैं घर से, तो अभी हम लोग लेके आए हैं नाश्ता, पहले चाय वगैरह पियेंगे यहाँ सब लोग। ये देख रहे हो ब्रेड, एक ब्रेड एंड बटर है, फी एक है और चाय है। यहाँ हम लोग की एक टीचर जो है यहाँ पे सबको ब्रेड एंड बटर लगा लगा के दे रही है, क्योंकि हम लोग को अभी बहुत दूर पैदल चलना पड़ेगा वाटरफॉल देखने के लिए। सो उससे पहले हम लोग खा पी लेते हैं, एकदम तंदुरुस्त होके एनर्जी लेके फिर जाएंगे एकदम पहाड़ियों में चढ़ेंगे सब लोग। तो यहाँ पे सब लोग चाय वगैरह पी लेते हैं, फिर हम लोग की जर्नी स्टार्ट होगी। सो लेट्स गो गाइस, यहाँ पे वो जो घर आपको बन रहा है, बना हुआ दिख रहा है ना गाइस, वहीं पे टिकट एंट्री होता है, लेकिन हम लोग ने टिकट एंट्री ऑलरेडी कर ली है क्योंकि हम लोग बहुत सारे लोग हैं। सो इसीलिए पहले ही हमने टिकट एंट्री कर ली है। वैसे तो 100 रुपीज़ है, लेकिन आप अगर ज़्यादा ज़्यादा लोग आते हो तो यहाँ पे टिकट का फीस 50 ले रहा है। सो गाइस आप यहाँ पे टिकट 100 मत दीजिएगा, बर्गेनिंग कीजिएगा, 50 रुपीज़ में तो हो जाता है।
सो उसके बाद चलिए इस रास्ते से हम जंगलों की जो घने जंगल है ना उसके अंदर से हम लोग अभी जा रहे हैं वाटरफॉल देखने के लिए। सो गाइस मज़ा आने वाला है, बट जो प्लेस है ना इट्स लाइक डेंजरस एंड थोड़ा रिस्की भी है, बट सब लोग साथ हैं तो चलिए कोई डर नहीं, चलते हैं जंगलों के अंदर और देखते हैं वाटरफॉल और आप लोग को भी दिखाते हैं। तो गाइस वीडियो में बने रहिए। सो गाइस आपको वो दिख रहा होगा वाटरफॉल, और गाइस उसकी वाटरफॉल की आवाज़ ना जैसे हम लोग जंगल में एंटर किए यहाँ पे हम लोग को वाटरफॉल की आवाज़ सुनने लगी। अभी भी वाटरफॉल तक पहुँचना के लिए हम लोग थोड़े दूर में हैं और एक यहाँ पे जो है पेड़ है उसके ऊपर से होके जाना पड़ता है, कभी पाइप चढ़ रहे हैं, कभी पेड़ चढ़ रहे हैं, कभी ईटा चढ़ जो यहाँ की पत्थर है वो चढ़ रहे हैं, क्या क्या चढ़ के वाटरफॉल देखने के लिए आने के लिए पड़ रहा है क्या ही बोलेगा। एंड एडवेंचरस जर्नी है क्योंकि हम लोग को ये पता नहीं था कि कब क्या चढ़ के हम लोग को पहुँचना है, कैसे पहुँचना है, बट हम लोग का एम था पहुँचना है तो पहुँचना है। एंड गाइस वी आर हियर, यहाँ पे और भी सारे लोग आए हुए हैं और हम लोग लास्ट पहुँच गए हैं वाटरफॉल की एकदम नज़दीक। और गाइस यहाँ पे मैं कोई भी म्यूजिक वगैरह ऐड नहीं कर रही हूँ, अब जस्ट हीलिंग साउंड ऑफ वाटर आप सुनिए क्या ही साउंड है। और इतना हम लोग जब चल रहे थे ना पहाड़ इतनी गर्मी लग रही थी कि मैं तो पसीना पसीना हो गए, हम लोग मतलब इतना गर्मी लग रहा था कि जैकेट वैकेट खोल लिए हैं जो लोग जैकेट पहने, इतनी गर्मी लग रही थी। लेकिन जैसे ही हम लोग वाटरफॉल के पास पहुँचे वाओ इतना सुकून महसूस हो रहा है ना गाइस, हम आपको वर्ड्स में बोल नहीं सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इतना सुकून इतना अच्छा लग रहा है जैसे कि एकदम मतलब एक ठंडा ठंडा हवा, वाटरफॉल का एकदम हीलिंग साउंड, सारे टेंशन गाइस एकदम मस्त वाली फीलिंग आ रही है गाइस यहाँ पे आके। और आप लोग भी एक बार ज़रूर आइएगा सिक्की वाटरफॉल, बहुत ही सुंदर प्लेस है, एकदम हीलिंग योर माइंड एंड बॉडी, बहुत ही अच्छा प्लेस है, एकदम सुकून मिलेगा सारे टेंशन से दूर, एकदम मस्त वाली फीलिंग आ रही है। यहाँ पे हम लोग ने बहुत सारी फ़ोटोज़ वगैरह बनाए और गाइस आपको हम इंस्टा का आईडी यहाँ पे ऐड कर दे रहे हैं, आप अभी जाइए और इंस्टा में हमें फॉलो कीजिएगा क्योंकि इंस्टा में भी हमने बहुत ही अच्छी अच्छी रील्स बनाई हैं यहाँ की। सो गाइस अभी भी हमें फॉलो कर लीजिएगा। गाइज आप लोग देख सकते हो हम लोग इस रास्ता से गए हैं, ये वाला जो आपको दिख रहा होगा ना इतना खतरनाक रास्ता है ना गाइज पूछो मत, और आपको पानी का आवाज़ वहाँ से सुनाई देगा ऊपर में एकदम जहाँ झरना है ना वहाँ से यहाँ तक, और ऐसा रास्ता है ना गाइज कि पूछिए मत, बहुत हार्ड है। अगर किसी को कोई बीमारी है प्रॉब्लम है तो मत ही आइए यहाँ पर, क्योंकि सांसें अटक जाती हैं यहाँ पर। आप देख सकते हो कैसा रास्ता है, हम आपको ऊपर दिखाते हैं, आप देख सकते हो पूरा पत्थर ही पत्थर है, और ये देख रहे हो पूरा जंगल है, और अभी हम लोग इस रास्ते से जा रहे हैं, देख रहे हो कैसा जाना पड़ता है। सो गाइस लेट्स गो।
देखो बट सो गाइस ये हम लोग का फर्स्ट डेस्टिनेशन था, दो बहुत ही सुंदर था आप लोगों ने देखा। तो आपको चलिए सेकंड डेस्टिनेशन लेके जाते हैं, वो तो यहाँ से भी और ज़्यादा सुंदर है। तो गाइस वीडियो में बने रहिए, आपको और एक प्लेस दिखाते हैं, वो तो गजब है गाइस, गजब का प्लेस है। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस पहाड़ों का जो रास्ता है ना एकदम स्नेक टाइप है, कभी ऐसे। और यहाँ पे हम लोग सारे टीचर्स अभी सब थक गए हैं क्योंकि बहुत हम लोग ने पहाड़ वहाड़ चढ़ के आ गए हैं। तो अभी एकदम और एक नेचुरल प्लेस में चलते हैं जहाँ एकदम नेचुरल वाइब मिलने वाला है, और यहाँ वहाँ हम लोग जो है लंच करेंगे। सो गाइस बने रहिए वीडियो में, और अच्छे अच्छे नज़ारे अभी आपको देखने को मिलेंगे। क्या ही ऑसम प्लेस है ना गाइस, बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर। और गाइस यही वो सुंदर सा प्लेस है जिसका नाम है पासी घाट। सो बहुत ही प्यारा घाट है, बहुत ही सुंदर है, पहाड़ियों का नज़ारा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपको, सब तरफ पहाड़ी पहाड़ और एकदम ही नेचुरल वाली फीलिंग। जो नेचर लवर्स है ना वो तो ज़रूर एक बार विजिट कीजिए पासी घाट, आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। तो गाइस यहाँ हम लोग पहुँच रहे हैं, यहाँ से आपको पहाड़ों का नज़ारा और भी नज़दीक से देखने को मिलने वाला है। ये एक बहुत ही बड़ा सा ग्राउंड है और बहुत ही साफ सुथरा है, यहाँ पे देख सकते हो एकदम क्लीन प्लेस है, पूरा ग्राउंड जो है बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे जो है आप एकदम नेचर वाली फीलिंग आएगी, और यहाँ बैठ के आप अच्छे से आप यहाँ पे जो है बैठ सकते हो, रेस्ट कर सकते हो, खाना वगैरह खा सकते हो, घूम सकते हो। तो ये हम लोग की गाड़ी है, सब टीचर्स एक एक करके उतर रहे हैं। यहाँ हम लोग ने जो है मैट वगैरह बिछा दिया है, सब लोग बैठ रहे हैं, यहाँ थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। और ये देखिए गाइस हम लोग की गाड़ी जो है जाके बालू में फंस गई है, मतलब कि हम लोग को उतारने के लिए गाड़ी को आगे लेके जा रहे थे तो यहाँ फंस गई। सो अभी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तब तक हम लोग यहाँ पे लेडीज लोग बैठ के जो है सलाद वगैरह बनाते हैं, क्योंकि खाना तो बना के लाए हैं, बस सलाद बनाना बाकी है। तो हम अभी सलाद काट रहे हैं और सारे यहाँ पे आग लगा रहे हैं ताकि जो खाना है ना चिकन की, हम लोग ने जो चिकन तरकारी लाई है उसको थोड़ा सा गर्म कर लेंगे, क्योंकि ठंडे का दिन है तो ठंडा हो जाता है और ठंडा खा के तो अच्छा लगता ही नहीं है। सो थोड़ा सा गर्म कर लेंगे खाना को। यहाँ हम सलाद बना रहे हैं, देख रहे हो गाजर है, फिर मिर्ची, टमाटो, गोभी है, सारे चीज़ प्याज वगैरह मिक्स करके सलाद बना रहे हैं, और सब लोग यहाँ पे गपशप भी कर रहे हैं। तो चलिए अभी हम लोग का प्लेट लग गया है, और खाने में गाइस आज हम लोग ने क्या क्या बनाया है चलिए आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए पुलाव वगैरह जो हम लोग ने पुलाव बना के लाई है, फिर जो चिकन होता है, चिकन आलू का तरकारी यहाँ पे देख रहे हो, वाओ इतना यमी बना है ना क्या ही बोले, देख के आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कितना टेस्टी होगा। फिर ये है पनीर जो कि बटर पनीर है, और ये है कस्टर्ड गाइस। अब खाना खाने के बाद हम लोग मीठा खाते हैं तो मीठा में हम लोग कस्टर्ड लाए थे, सो एक टीचर ने बनाया था, बहुत ही यमी बनाया था। अभी खाना वाना खाने के बाद हम लोग सब सामान रख दिए गाड़ी में, तो चलिए अभी हम लोग आपको लेके चलते हैं एकदम बीच में। और ये देख रहे हो बीच का नज़ारा, वाओ है ना गाइस। सो ये इस प्लेस का नाम है बोदाक, यहाँ पे भी आप आ सकते हो पिकनिक करने के लिए, ये पूरा पिकनिक स्पॉट है, यहाँ पे आप आ सकते हो, बना सकते हो खाना, बना बना के भी खा सकते हो, बहुत लोग बना के भी खा रहे हैं। और यहाँ पे लोग मस्ती करने आते हैं, एंजॉय करने आते हैं नेचुरल वाइब के साथ। और देखिए क्या ही प्लेस है, पूरा बालू ही बालू, और यहाँ साइड में पानी और पहाड़, वाओ नज़र आए गाइस। मतलब आपको जैसे आप ये प्लेस देखोगे ना आपके मुँह से वाओ तो निकलने ही वाला है, पूरा बीच है। सो यहाँ पे लोग मस्ती कर रहे हैं वो देख रहे हो, और एक फैमिली यहाँ पे पार्टी कर रही है, मतलब कि पिकनिक खा रहे हैं वो लोग भी।
तो हम लोग भी पहुंच गए और वो लोग साउंड बॉक्स लेके आए थे, पूरा गाना वाना बजा रहे हैं। तो सारे टीचर्स भी हम लोग यहाँ पे डांस करने के लिए लग गए। और वो फैमिली जो थी ना गाइस, इतनी अच्छी थी कि हम लोग को देख के हम लोग से इंट्रोड्यूस हुए, फिर उसके बाद हम लोग को साउंड बॉक्स तक दे दिया कि चलो आप लोग इन्जॉय करो, लो नाचो। इतना अच्छे लोग थे, बहुत ही अच्छे। फिर हम लोग सब टीचर्स ने यहाँ पे डांस वगैरह किया है। हम इंस्टा आईडी हमने गाइस जो है डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप लिंक जाइए उससे फॉलो कीजिए, और भी सारे आपको बहुत सुंदर सुंदर रील्स देखने को मिलेंगे इंस्टा में। या इस प्लेस में हम लोग ने बहुत सारी रील्स बनाई हैं, तो यहाँ पे सारे सब लोग मस्ती कर रहे हैं और यहाँ देख रहे हो कितने अच्छे अच्छे डांस वगैरह हो रहे हैं। सो गाइस इन्जॉय, फुल इन्जॉय, बहुत ही अच्छा लग रहा है। सबने बहुत खुल के इन्जॉय किया और यहाँ पे वो आंटी भी आ गई नाचने के लिए हम लोग को देख के। सो गाइस सबने फुल इन्जॉय किया है यहाँ पे, सो मज़ा ही आ गया गाइस। और अभी गाइस हम लोग बोदाक को बोलते हैं बाय बाय और हम लोग चलते हैं घर, क्योंकि अभी थोड़ा शाम होने को है और हम लोग को पहुँचने में 4 घंटा लगा था, तो अभी रिटर्न के लिए भी 4 घंटे लगेंगे। सो अभी बज रहे हैं 4, तो चलिए हम लोग चलते हैं घर। और मज़ा आ गया गाइस, आज तो बहुत दिन के बाद इतना ज़्यादा इन्जॉय किया हम लोग ने, और बहुत सारे लोग आए हुए हैं पिकनिक खा रहे हैं। तो चलिए हम लोग निकलते हैं धीरे धीरे यहाँ से, एक बार नज़ारा देख लीजिए आप, बहुत ही सुंदर है। आप भी आइए घूमिए, आपको अगर बोडाक आना है तो आप आ सकते हो, आपको वाटरफॉल जो सिरकी वाटरफॉल है वहाँ भी विजिट कर सकते हो, बहुत ही सुंदर सुंदर। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो तो बोडाक जरूर आइए, क्योंकि यहाँ पे आपको रेस्ट करने के लिए फिर खाना वाना बना के खा सकते हो, बहुत मज़ा आने वाला है। और वहाँ देख रहे हो ना पूरी पहाड़ में लैंड स्लाइडिंग हुई थी, फिर ये देखिए पानी, पूरी नेचुरल प्लेस है गाइस, नेचर यहाँ पे है नहीं। फिर हम लोग सारे थक गए हैं अभी, फिर भी गाड़ी में बैठ गए हैं, इतने भी नहीं थके हुए हैं। देख रहे हो टीचर्स का अभी भी जोश जो है ना भर भर के है। तो चलिए मस्ती करते करते हम लोग पहुँचते हैं घर। सो गाइस फिर यहाँ पे हम लोग उतर गए ऑरेंज लेने के लिए, ऑरेंज बहुत ही मीठा है, तो यहाँ से ले रहे हैं घर के लिए। तो गाइस यहाँ हमने आंटी से ये ऑरेंज लिया है, ये देखिए आंटी का दुकान। सो गाइज इसी के साथ आज के वीडियो को एंड करते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोग यहाँ घूमने आ सके, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाय बाय।